नमस्कार, मैं प्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है पुणे से एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर अखिलेश जी, और उनका सर्विस का नाम है ग्रह स्थलम। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, उनके सर्विस के बारे में कुछ जरा डिटेलिंग में जानते हैं। नमस्कार अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी में। नमस्कार, धन्यवाद आपको जी। और आपको कैसे महसूस हो रहे हैं कि आप टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर इन पुणे सिलेक्ट हुए हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत मेहनत करी है इसके लिए, गुरुओं का आशीर्वाद है और परिवार की मेहनत भी है, तो आज यहाँ बैठे हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अखिलेश जी, कुछ जरा जानते हैं आपके सर्विस के बारे में। तो पहले आप बताइए कि आप कब से इस प्रोफेशन में हैं, आपको कितने साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में? ये मैं बताऊं तो मुझे 2012 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। हालांकि 2012 में मैंने पढ़ाई शुरू करी थी एस्ट्रोलॉजी की, किताबों से जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था मेरा एस्ट्रोलॉजी के प्रति, ग्रहों के प्रति। और उसके बाद 2014 से करीब मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, तो यू कह सकते हैं प्रिडिक्शन का एक्सपीरियंस मेरे पास 8-9 साल का हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का। ओके, मतलब बहुत आप काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। हाँ, कह सकते हैं ये काफी ज्यादा, बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं मैंने, इवन फॉरनर्स की, खासतौर से यूएस में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने बहुत वहाँ पे भी सीखी है काफी एस्ट्रोलॉजी, और वहाँ के लोगों की एक्सपीरियंस को भी मैंने देखा है, यूरोपियन लोगों का देखा है। और लेकिन बेस जो मजा है एस्ट्रोलॉजी करने का वो तो इंडिया में ही है, क्योंकि वहाँ लोगों को एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं आती, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह की समस्याओं का निवारण हम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो उन्हें ज्यादा समझ नहीं आती, और खास तौर से किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए उपायों की आवश्यकता होती है, और विदेशों में उपाय कर पाना संभव नहीं है, और पूजा पाठ या छोटे छोटे उपाय जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि गाय को रोटी खिला दो या कुत्ते को खिला दो, इनसे काफी आराम मिलता है हमारे जीवन में, लेकिन वहाँ वो चीज संभव नहीं है और ना ही वो लोग मंत्रा चैंटिंग कर पाते। तो सिर्फ एक गाइडेंस थी वहाँ पे कि ये हो सकता है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जी अखिलेश जी, वैसे आप जैसे कहे कि आप इतने एक्सपीरियंसड है, तो फिर आप ऑफ कोर्स शायद ऑनलाइन में भी आपका सर्विसेज अवेलेबल होंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के बिना कुछ होता नहीं है। सो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे ऑनलाइन में, बेसिकली ऑनलाइन में सिर्फ व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के थ्रू ही अवेलेबल हूँ, बाकी किसी और सुविधा को नहीं देता वीडियो कॉल, और बाकी तो नॉर्मल कॉल इंडिया से कर ही सकते हैं जी। या फिर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, थ्रू कॉल के थ्रू ही अवेलेबल। ओके। और अगर कोई आपसे पर्सनली अगर कोई मिलना चाहे, कुछ डिस्कस करना चाहे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो कैसे कर सकेंगे? मैं बेसिकली ऑनलाइन में इसलिए हूँ कि मैं प्रॉपरली पुणे में सिट नहीं करता हूँ, बैठता नहीं हूँ। अच्छा, मैं ऋषिकेश अच्छा। में बैठता हूँ, और यहीं पे मेरे ज्यादा क्लाइंट्स हैं, फॉरनर्स क्लाइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ फॉरनर्स गेस्ट ज्यादा आते हैं, तो हमारा यहाँ पे भी मैं घर से ही करता हूँ अपना सारा काम। और तो हमारा जो घर है प्रॉपर ऋषिकेश शहर में है। अच्छा। और ऋषिकेश से मतलब कांटेक्ट करके आदमी को चाहिए तो मैं अपना एड्रेस पूरा सेंड कर सकता हूँ, अगर इस वीडियो के माध्यम से भी एड्रेस बताना है तो बता सकता हूँ, मतलब गली नंबर 2 है, और इसी केस प्रॉपर में कॉल करके मैं उससे बात करूँ। अच्छा, और वो लोग आपका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है, या फिर वो लोग जब भी आपसे मिलना चाहे, कुछ डिस्कस करना चाहे, तो आप अवेलेबल हो रहते हैं? इसका कारण यही, मैंने फोन पे अवेलेबिलिटी पहले यही इसलिए बनाई है कि लोग एक बार पहले फोन पे डिस्कस करके टाइमिंग अपनी कर लें, बिल्कुल, ताकि मेरे लिए भी इजी रहे, उनके लिए भी इजी रहे, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कि कब कौन कहाँ बिजी है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम, रिलैक्स टाइम चाहिए होता है, क्योंकि विदाउट माइंड रिलैक्स के आप हड़बड़ी में किसी को जवाब दे दें, किसी का बेवकूफ बना दे, वो मेरे संभव होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो जी अखिलेश जी। तो फिर आप अपना सर्विस के बारे में जरा बताइए कि आप कैसे कैसे सर्विसेज देते हैं, क्या क्या होते हैं उसमें, और उसका क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं, उसका कुछ जरा सा बताइए हमें। सर्विसेज में तो हमारे पास एक ही सर्विस है कि हम आपकी डिटेल, आपकी बर्थ डिटेल के अनुसार आपका एक चार्ट बनाते हैं, जिसका हमारे पास सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम आपका डिटेल उसमें फिलअप करते हैं, तो एक चार्ट आपका जो बन के आता है, जो आपके बर्थ के टाइम पे रहा होगा ग्रहों की स्थिति, वो एक ग्रहों की स्थिति हमें पता चलती है, जिसके अनुसार हम ये प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी निकालने।
कि आपका जीवन कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, आपकी इमोशनल स्थिति कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपकी लव लाइफ कैसी है। और नेगेटिव रूप में जाएं तो ये देखते हैं कि आपकी हेल्थ कब खराब हो सकती है, या कोई कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, या अगर लाइफ में कोई डिवोर्स जैसे या कोर्ट केस से रिलेटेड या जेल में जाने से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। जी। और कुछ लोगों को जो प्रॉपर्टीज से डिस्ट्रीब्यूट के इशू होते हैं उसके रिलेटेड जानकारियां भी निकालने का कोशिश करते हैं। बाकी बेसिकली तो आपके सवालों पे डिपेंड है कि उस वर्तमान समय में जब आप मेरे पास आए हैं तो आपको क्या समस्या चल रही है उसके समाधान देने का प्रयास करते हैं। जी अखिलेश जी, तो अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि जैसे कि शादी वगैरह ये सब में भी लोग आजकल क्या है कि चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, हम लोग का ये ट्रेडिशन रहा है कि हम लोग अपनी कुंडली दिखाकर ही शादी करते हैं, ठीक है। तो फिर आजकल क्या हो रहा है, शायद आपको भी पता ही होगा कि डिवोर्सेस इतने सारे हो रहे हैं आजकल, हर तरफ सब डिवोर्स ले रहे हैं, सब लोग का डिवोर्स हो रहा है। तो ये मेरी बात है कि लोग अगर इतने कुंडली दिखाकर भी अगर शादी कर रहे हैं तो फिर वो लोग का डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? इसके दो मेन कारण हैं। पहली चीज तो ये है कि पहले से ही माता पिता पे एक प्रेशर होता है कि हम, क्योंकि पहले से ही वो दो बंदे एक दूसरे को जानते होते हैं तो पहले तो लव होता है, उसके बाद वो अरेंज की तरफ जाते हैं कि चलो हमारा तो लव हो गया, माता पिता राजी हैं, अब हम अरेंज कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि कुंडली मैच नहीं भी हो रही है लेकिन माता पिता पे प्रेशर है कि नहीं शादी तो कर। अब वो उपाय जो है वो ढंग से उपाय नहीं होते, जैसे कि शादी से पहले अगर कुंडली मैच है तो किस ग्रह के हिसाब से वो कुंडली मैच नहीं रही उसके उपाय प्रॉपर नहीं हो पाते। कुछ कंडीशंस में सेपरेशन के प्रॉपर योग होते हैं लेकिन उसके उपाय ये हैं कि घट विवाह करा दिया या तुलसी विवाह कराने से ये जो प्रॉपर डिवोर्स के जो सिम्टम्स आपकी कुंडली में नजर आ भी रहे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, तो लेकिन वो प्रॉपर उपाय नहीं हो पाते, इस वजह से ये डिवोर्स की कंडीशन आती है। दूसरा कारण है इंडिविजुअल कारण है कि आजकल के बच्चे जो है, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, इनमें थोड़ा एग्रेशन ज्यादा हो गया है क्योंकि उनके ऊपर सक्सेस होने का एक लोड इतना ज्यादा बच्चों ने अपने दिमाग में ले लिया है, पैसा कमाने का लोड इतना ज्यादा ले लिया है कि दोनों जने घर के काम करने जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और दोनों ही जने जब शाम को थके हुए घर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपस में फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, वो बाहर का गुस्सा घर पर निकालते हैं जिसके कारण से सेपरेशन की कंडीशन ज्यादा हो। तो ज्यादातर फैमिलीज वही एक साथ हैं जहाँ एक ही जना काम कर रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि एक जना घर संभाल रहा है, एक जना जो बाहर से थका हुआ व्यक्ति घर आता है उसको संभाल रहा है, परिवार संभाल रहा है, वहाँ ज्यादा सफलता हो जाती है। और जहाँ दोनों जने काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए, क्योंकि जब घर से बाहर से आदमी या औरत जो घर आएगा वो थका हुआ आएगा, उसको पानी भी चाहिए, रिलैक्सेशन भी चाहिए और दूसरे का मोटिवेशनल सपोर्ट भी चाहिए, तो वो जब नहीं मिल पाता क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, पार्टनर घर में है ही नहीं, घर में पहुंचे तो या तो वो अकेला है या घर में बच्चे हैं जो उसे, उनकी एक अलग एक्सपेक्टेशंस हैं अपने घर आए माता पिता से, वो हम थके हुए होते हैं तो पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो गुस्सा निकलता है, गुस्सा निकलता है तो चिंगारियां, जब कुछ बर्तन रगड़ेंगे तो चिंगारियां निकलेगी और चिंगारियां ज्यादा हो गई तो आग पैदा हो जाएगी और आग पैदा हो जाएगी तो सेपरेशन हो जाएगी, ये कंडीशन। तो बेसिकली आदमी को चाहिए अपना गुस्सा संभालने का, अपने ईगो को कंट्रोल करेंगे तो ये चीजें कंट्रोल होती है। और इसका भी हमारी कुंडली में ग्रहों का असर होता है जिनके थ्रू हम अपने ईगो और कंट्रोल को, अपने चिड़चिड़ेपन को, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। खास तौर से चंद्रमा आपका जो मन का घोषक है, उस चंद्रमा के अगर उपाय अगर हम रेगुलर बेस में करें तो हमारी ये समस्याएं काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। ओके। तो अभी जैसे आप कह रहे थे कि लोग का ईगो, आजकल सब लोग इम्पल्सिव डिसीशंस ले रहे हैं, फट से वो लोग नाराज हो जाते हैं, वो लोग को गुस्सा आ जाता है, तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी कैसे ये इमोशंस को बैलेंस्ड आउट करते हैं, हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी वो वहां पर कैसे एक रोल प्ले करते हैं? यहाँ पे मैंने जैसे बताया अभी आपको, चंद्रमा आपका मन का तारक ग्रह जो है वो चंद्रमा को माना गया है एस्ट्रोलॉजी। और दूसरा हमारे ज्योतिष में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई गई, आपकी राशि बताई गई, आपकी राशि क्या है, आपकी राशि के हिसाब से आपका
बिहेवियर को, आपके नेचर को कैसे किया जाता है। तो चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के स्वामी और चंद्रमा का उपाय अगर रेगुलर बेस में किया जाएगा तो डेफिनेटली इस बात के बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, आपके इमोशनल इंबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। ओके। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों का चंद्रमा ज्यादा खराब, ऐसा मैंने देखा है, आपने नहीं देखा होगा, इनकी चंद्रमा जिनका ज्यादा खराब होता है उन लोगों में टेंडेंसी होती है गुस्सा करने की और सुसाइड करने की। चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो सुसाइड की कंडीशन भी आ जाती है। अच्छा, और चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है तो बच्चों को नशे करने की लत भी चंद्रमा के कारण ही करती है, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं होता। ओके, ओके। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो चंद्रमा को मजबूत करना और चंद्रमा जिस राशि में उस राशि के स्वामी को मजबूत करने से इस तरह की परिस्थितियों से बचा जा सकता है। ओके 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 ठीक है। तो फिर अखिलेश जी, एक और सवाल मेरे मन में ये है कि आजकल जैसे कि युवा हो गए, बेसिकली दे यंगर जनरेशन, वो लोग को अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर वो लोग सुनते हैं, वो लोग को कोई कहते हैं कि हाँ जस्ट अप्लाई दिस, सो वो लोग को लगता है कि ये एक अंधविश्वास है, वो लोग को ये सब में विश्वास नहीं करना है, तो आपका क्या राय है इस पे? जी, ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आजकल की। जी, देखिए कहीं ना कहीं दबाव तो सबके मन में रहता है, हर कोई मानता है, लेकिन विजिबल है वो सिर्फ शो ऑफ नहीं करना चाहता या बताना नहीं चाहता, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं कि भाई भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। जब हम खुश होते हैं तो हम उस चीज को इग्नोर करते हैं कि ये जो मैं हुआ वो मेरे प्रयास से हुआ, मैंने मेहनत करी इस चीज के लिए, तो वो तब हम अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मानते सब हैं, लेकिन जब उसे वो शो करने की बात आती है कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता, जब कि लाइफ में कोई परेशानी आती है तो आदमी भगवान के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, और जब लाइफ अच्छी चल रही होती है तो उसका ये सोचना होता है कि मैं ही कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ। उसके लिए हमें संस्कार जो है बचपन से उतने अच्छे डेवलप नहीं हुए, जिन लोगों का ऐसा आपको लगता है कि बच्चे नहीं मानते, क्योंकि ऐसे मैंने तो बहुत कम लोग ही देखे हैं या बच्चे देखे हैं जो नहीं मानते, सब मानते हैं, बस ये है कि थोड़ा ज्यादा पढ़ लिखने की वजह से या यंगर जनरेशन में अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखते हुए लोगों को सोचते हैं कि हमने कर लिया सब कुछ, होता कुछ नहीं है, सब कुछ आपकी ग्रहों की परिस्थितियों के उसके साथ ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी जानते हैं कि एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं तो 30 के 30 फर्स्ट नहीं आते, क्योंकि क्लास की दीवारें भी वही है, बेंच भी वही है, टीचर भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, हर व्यक्ति अलग अलग पढ़ता है, अलग अलग हर किसी का नेचर है, इवन हमारे फिंगर की उंगलियों की जो रेखाएं हैं वो भी किसी की मैच नहीं करती, इसीलिए बायोमेट्रिक के थ्रू आदमी सिक्योरिटी लॉक लगाता है ताकि हमारा कोई खोल ना पाए, है ना, तो हर कोई अलग अलग है और हर किसी के ग्रहों के उन चार्ट की वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है कि उसका स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव कब आएगा, वो कुंडली में नवे भाव पे डिपेंड करता है, तो वो हम उससे भी बता सकते हैं कि उसका स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव कब आएगा। हाँ, आजकल के बच्चे ये कह सकता हूँ पूजा पाठ करने से जरूर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव तो है। ओके ओके ओके, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके अखिलेश जी, तो फिर जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल ये एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बहुत सारे हो रहे हैं, आजकल नए नए एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे उनसे थोड़ा सा यूनिक है, या फिर आप में ऐसे क्या खासियत है जो इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से वो लोग आपका ही सर्विस ले, सो आप में ऐसे क्या यूनिकनेस है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप, ये थोड़ा बताना थोड़ा टफ होगा, लेकिन इतना तो जरूर बता दूं कि मैं यूट्यूब से सीखा हुआ एस्ट्रोलॉजर नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं तरह से कारण भी बता दूं मैंने ऐसा क्यों बोला, जो यूट्यूब है, यूट्यूब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संबोधित करता है ग्रह राहु, और राहु जो है ज्योतिष का संबोधक ग्रह नहीं है, तो जो भी चीज, जो भी ज्ञान आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू लेते हैं, चाहे फेसबुक से लें, चाहे व्हाट्सएप से लें, चाहे यूट्यूब से लें, वो ज्ञान आपकी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए। ओके ओके, ये लिखित गारंटी बात बता रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है इस बार। आप जो चीज याद रख सकते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए या हमेशा के लिए वही चीज याद रख सकते हैं जो आपने किताबों से पढ़ी है और जो अपने अनुभवों से सीखी है,
YouTube से कुछ समय के लिए आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूटी में नहीं रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, मैं YouTube से सीखा हुआ एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। और दूसरा, डिपेंड करता है आप मेरे पास क्यों आए। भाई मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को इस ज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए एस्ट्रोलॉजी करता हूँ कि ग्रह आपके जीवन में किस तरह से इफेक्ट डालते हैं और आप उस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या अपने जीवन को उन इफेक्टों से कैसे बचा सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, बिल्कुल उसका लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ओके ओके जी अखिलेश जी, इस वक्त जो हमें जो दर्शक इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको उनके लिए छोटा सा मैसेज या फिर टिप देना हो तो वो क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी के लिए हिसाब से अगर टिप दी जाए तो मैं यही देना चाहूंगा कि अपने जीवन में सफल बनने के लिए अपने कुंडली को जरूर एक बार एनालाइज कराएं, किसी भी ज्योतिष से, मैं नहीं कहता मेरे से ही कराएं, किसी से भी जरूर कराएं, ताकि आपको एक पर्टिकुलर सके कि आपको किस मार्ग में चलना है या आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली चीज ये है। और ये कभी ना भूलें कि भगवान हर जगह मौजूद है हर समय, तो जितना हो सके ईमानदार बने रहेंगे अपने लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए, उतनी लाइफ आपकी इजी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी अखिलेश जी, आप हमारे फाइव डेस्टिनेशन सिटी में मेरे साथ ये वीडियो इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, और हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारे फाइव डेस्टिनेशन सिटी के लिए छोटा सा फीडबैक देना हो तो वो क्या होगा? फीडबैक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत चुनिंदा लोगों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और हर छोटे छोटे शहर के लोग भी, जो लोग नॉलेज इनको बहुत है लेकिन उतने लोगों तक उनकी रीच आउट नहीं है, उस रीच आउट को आप संभव करवा रहे हैं, तो काम आपका बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा लगा। और जितने लोगों को मेरे तरफ से संभव हो सका, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अलग अलग फील्ड के हैं लेकिन बताया है, अब देखते हैं कैसे कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। और अच्छा, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का ये इंटरव्यू अखिलेश जी के साथ यही तक था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अखिलेश जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे फाइव डेस्टिनेशन सिटी के वेबसाइट में तो आपको मिल ही जाएगा, बाकी इस वीडियो के कैप्शन में भी हम लोग अवेलेबल कर देंगे। और अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।